नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में ग्रीष्मकालीन सरकारी मूंग खरीदी में बड़ा घोटाला सामने आया है। करणपुर स्थित वेयर हाउस पर केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने मिलकर करीब 5.57 करोड़ रुपए की 7,346 क्विंटल अमानक मूंग खरीद ली। मामले में सुहागपुर के कृषि विस्तार अधिकारी RS राजपूत ने केंद्र प्रभारी और दो सर्वेयर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की सबसे ज्यादा पैदावार और समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा खरीदी भी नर्मदापुरम जिले में ही होती है। मूंग खरीदे व धांधली, अमानक मूंग खरीदी व रुपए मांगने की शिकायतें भी जिले में ज्यादातर सामने आती हैं। इस साल भी डोलरिया, बनखेड़ी, पिपरिया व सुहागपुर में इस प्रकार की शिकायतें आई, जिसमें कुछ जगह विभाग द्वारा FIR भी कराई गई। सुहागपुर के करणपुर में स्थित राम वियर हाउस पर कृषि विस्तार अधिकारी RS राजपूत व उनकी टीम ने औचक निरीक्षण किया था, जहां मानक व कचरे वाली मूंग खरीदी गई मिली। टीम द्वारा पंचनामा बनाकर जांच कराई गई। जांच के बाद 25 अगस्त की शाम को 7 बजे सुहागपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया। इसमें LTC कंपनी जयपुर के सुपरवाइजर्स को राम वियर हाउस में मूंग खरीदी हेतु नियुक्त किया गया था, तो शिकायत ये है कि इन लोगों ने अमानक मूंग खरीदी है और उसमें उन्होंने बेईमानी की है। तो इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई, प्रथम सूचना पत्र लिख के जाँच की गई है उसके विभाग द्वारा, और ये कृषि विकास अधिकारी खंड सुहागपुर श्री राजपूत द्वारा प्रथम सूचना पत्र। किन किन लोगों पर और क्या धारा है? 420-24। कितने आरोपी हैं? 3 आरोपी। सुहागपुर से नर्मदा पटेल मामा की रिपोर्ट।